नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में और हर टाइप्स के इक्विटी म्यूचुअल फंड जो बेस्ट है, मतलब जो कि पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 10 साल के रिकॉर्ड में जो सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है, उन सारे टाइप्स के म्यूचुअल फंड के नेम भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिए, और उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं, जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। तो चैनल पर जाइए, सारे वीडियोस को देखिए और म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड होता क्या है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंतर्गत हम कहां पर इन्वेस्ट करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो हमारा होता है, इस स्कीम के तहत हम स्टॉक में या कहें शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब हम स्टॉक मार्केट में डिफरेंट कंपनी का जो शेयर होता है, जो स्टॉक्स होता है, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इक्विटी जो फंड होता है, आइदर एक्टिव और पैसिव, या तो एक्टिव फंड होते हैं या तो पैसिव। एक्टिव फंड में जो एक फंड मैनेजर होता है, जो एक्सपर्ट मैनेजर होगा, वो आपके फंड को मैनेज करेगा। और एक पैसिव फंड होता है, पैसिव फंड जैसे इंडेक्स फंड, उसमें आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो फिर उस इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स हैं, उस स्टॉक में आपका जो मनी है, आपका जो अमाउंट है, वो इन्वेस्ट हो जाएगा। और इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम मतलब पड़ता है आपको, और एक्टिव फंड में वही एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एक्टिवली मैनेज करेगा आपके फंड को, जो फंड मैनेजर, उसका एक्सपेंस रेशियो होगा, मतलब वो अपना फील चार्ज करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, फिर आपको और ऑफिस को मैनेज करने में जो भी खर्च आएगा वो एक्सपेंस हो गया। तो इसमें एक्टिव में जो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, पैसिव में कम होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रोथ फंड, क्योंकि हम इक्विटी फंड में हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक में हमें ग्रोथ देखने मिलता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम इसे ग्रोथ फंड भी बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के फंड इसमें होते हैं, तो जिसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अब हम बात कर लेते हैं इक्विटी फंड के टाइप्स के बारे में। इक्विटी फंड डिवाइडेड इनटू मेनी कैटेगरीज, जैसे हमारा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप इक्विटी फंड बोलते हैं जब हम लार्ज कैप कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो म्यूचुअल फंड स्कीम के तहत जो म्यूचुअल फंड का अमाउंट है वो जो इन्वेस्ट किया जाता है लार्ज कैप कंपनियों में, तो हम उसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम बोलते हैं। जब मिड कैप कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसे मिड कैप फंड बोलते हैं, मतलब मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम बोलते हैं। फिर स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसे हम स्मॉल कैप फंड बोलते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम जो होता है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम होता है। तो इसके हम सारे जो बेहतरीन म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिन्होंने कि प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, तो उन म्यूचुअल फंड स्कीम के भी नाम बताएंगे आपको, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारे के सारे। उसके बाद हमारा आता है मल्टी कैप। देखिए मल्टी कैप में क्या होता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि लार्ज कंपनी में ही लगाना है, मिड कैप में ही लगाना है, स्मॉल कैप में। तो जिस समय जो कंपनियां बेहतर परफॉर्म कर रही होगा, जैसे स्मॉल कैप बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो स्मॉल कैप में ज़्यादा लगा दिया जाएगा, लार्ज कैप कम परफॉर्म कर रहा है तो लार्ज कैप में कम अमाउंट लगाया जाएगा। तो इसमें हमारा जो होता है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है जो फंड मैनेजर के लिए, कि वो जैसा चाहे वैसा चूज कर सकते हैं, लार्ज कैप कंपनियां, मिड कैप कंपनियां और स्मॉल कैप कंपनियां। तो ये हो गया डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, मतलब इसमें आपका रिस्क कम हो जाता है। जैसे स्मॉल कैप में आप लगाते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो आपके पास रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिल सकता है। वहीं लार्ज कैप में लगाते हैं तो आपके पास रिस्क कम होता है, तो रिटर्न भी आपको कम मिलता है। लेकिन मल्टी कैप में क्या हो जाता है, आपका रिस्क भी मॉडरेट हो जाता है, रिटर्न भी मॉडरेट, मतलब रिटर्न भी हाई नहीं मिलेगा तो रिस्क भी आपको हाई नहीं रहता है। उसके बाद हमारा ई एल एस एस होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मतलब इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो है इनकम टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं, मतलब अगर आपको इनकम टैक्स से बचना है तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको 150,000 तक का इनकम टैक्स रिलीफ मिल सकता है। तो ई एल एस एस फंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है, जिसमें इन्वेस्ट करके आप इनकम टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद आता है इंडेक्स फंड, ये भी बेहतरीन फंड है। वैसे लोग जो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा मतलब जानकारी नहीं रखते हैं, जैसे हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन से फंड बेहतर हैं, कौन से फंड में रिस्क अधिक है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने तो सीख लिया
रहेगा, लेकिन जिन्हें लगता है कि हमें रिस्क फ्री रहना है, मतलब हमें रिस्क नहीं लेना है, तो वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में उस समय इन्वेस्ट करें जब देखें स्टॉक मार्केट में काफ़ी करेक्शन आया हुआ है। जैसे अभी के समय में स्टॉक मार्केट में काफ़ी करेक्शन मिल रहा है, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिए तो जैसे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दिए तो इंडेक्स हमेशा के लिए ऊपर तो जाएगा ही, मतलब एक लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इंडेक्स हमेशा ऊपर जाना है। तो इस तरह से आपका इसमें रिस्क बिल्कुल जीरो होता है, और इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी काफ़ी लो रहता है, क्योंकि इसमें एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ता है, ये पैसिव फंड है। मतलब एक बार आपने अमाउंट दिया, आपका इंडेक्स फंड में लगा दिया गया उस समय, मतलब इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स है निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में आपका लग जाएगा उस फंड में, जिस परसेंटेज में स्टॉक्स को सिलेक्ट किया गया होगा। फिर आप सेंसेक्स में लगाते हैं तो सेंसेक्स के 30 कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर आप निफ्टी 100 चूज करते हैं तो 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा। तो इस तरह से इंडेक्स फंड सिर्फ इंडेक्स वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, तो इसमें फंड मैनेजर को कोई कठिनाई नहीं होती है स्टॉक को सेलेक्ट करने का, उसे मैनेज करने का। तो ये इंडेक्स फंड हो गया। उसके बाद सेक्टर म्यूचुअल फंड, आप किसी एक सेक्टर में, जैसे अभी फार्मा सेक्टर देख सकते हैं काफ़ी परफॉर्म कर रहा है, तो जो फार्मा सेक्टर में 2-3 महीने पहले म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट किए होंगे, मतलब लमसम अमाउंट, या SIP जो पहले से किए होंगे 1 साल से, अभी उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। तो ये होता है सेक्टर फंड, कि किसी एक सेक्टर को आपने चुन कर लिया, जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर को, FMCG सेक्टर को, या आपने चुन लिया फार्मा सेक्टर को, तो उसी सेक्टर के कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा आपका। और वो जिस स्कीम को आप चूज करेंगे उस स्कीम में जो जो कंपनियां होगा उस सेक्टर का, उस कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर होता है डिविडेंड यील्ड फंड, मतलब आप खास करके डिविडेंड के लिए आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब एक रेगुलर इनकम चाहते हैं म्यूचुअल फंड से डिविडेंड के रूप में, तो आप डिविडेंड देने वाली कंपनियों का जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो डिविडेंड यील्ड फंड में होते हैं अच्छे जो डिविडेंड मतलब रिकॉर्ड वाली कंपनियाँ होती है उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड होता है हमारा कि एक खास जो सब्जेक्ट है, मतलब एक खास जो आइडिया है, कोई खास आइडिया के लिए जो फंड बनाया जाता है उसे हम थीमेटिक फंड कहते हैं। जैसे आप एक कोई स्पेसिफिक रिटायरमेंट प्लान बना लेते हैं, चाइल्ड मैरिज के लिए बना लेते हैं, तो उस तरह का कोई खास जो फंड होते हैं उसे हम थीमेटिक फंड, मतलब खास आइडिया पर जो आधारित फंड होते हैं उसे हम थीमेटिक फंड कहते हैं। तो ये थीमेटिक फंड थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है लार्ज कैप फंड से, जो हमारा लार्ज कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, उससे थोड़ा ज़्यादा ये रिस्की होता है। तो इसलिए आप कौन सा फंड सेलेक्ट करेंगे, चलिए हम अब बात करते हैं अलग अलग तरह के फंड के बारे में। ELS ये तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ELS में हम आपको 2 बेहतरीन फंड बनाएंगे, इंडेक्स में भी बताएंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इसमें भी बताएंगे, मल्टी कैप में भी आपको बताएंगे। तो इस तरह से जो बेहतरीन फंड है उसको हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो ये देखिए बेस्ट म्यूचुअल फंड, तो बेस्ट म्यूचुअल फंड के लिए सबसे पहले आपको क्रिसिल रेटिंग देख लेना है, जिसका रेटिंग 5 हो वो सेलेक्ट कीजिए। एक्सपेंस रेशियो जिसका लो हो, तो इसके लिए आप डायरेक्ट प्लान चूज कर सकते हैं। जो अभी ग्रो ऐप है उससे आप डायरेक्ट प्लान चूज कर सकते हैं। क्वाइट ऐप है जीरोधा को, उससे डायरेक्ट प्लान चूज कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको किसी के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लान आप चूज कीजिए उसी से और इन्वेस्ट कीजिए, इसमें एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होगा। वहीं से आप रेगुलर प्लान भी चूज कर सकते हैं, रेगुलर प्लान चूज करेंगे तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई होगा, इसलिए लो एक्सपेंस रेशियो चूज करें ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आपको रिटर्न देखना है बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए, रिपीटेशन ऑफ AMC देखना है, जैसे हमारा HDFC AMC है, ICICI का है, फिर एक्सिस का AMC है, तो इस तरह से जो आपको AMC अच्छा लगता है वो AMC चूज कर लें। फिर उसमें फंड मैनेजर कौन है तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देख लें, परफॉर्मेंस देख लें, तो सारी चीज़ देख करके उसके बाद आप जो फंड चूज कर रहे हैं उसके बेंचमार्क से कंपेयर कर लें। उसके बाद वेटेज ऑफ सेक्टर, उसमें क्या है स्टॉक का वेटेज क्या है, मतलब जो स्टॉक को वेटेज दिया गया है क्या वो स्टॉक्स आगे परफॉर्म करेगा या नहीं, अगर परफॉर्म करेगा तभी आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो भी परफॉर्म करेगा, वो बेहतर रिटर्न देगा। तो ये सारे चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो सारे चीज़ देखने के बाद हमने जो आपके लिए फंड सेलेक्ट किया है उस फंड की हम अब बात करते हैं। जैसे ELSS है, इसके लिए आप आदित्य सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड 96 जो है ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा रिसर्च है, आप अपना खुद का भी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले लें। और हमने जो म्यूचुअल फंड पे वीडियो बनाया है उसमें बताया था लाइव कि हमने किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है। जैसे लार्ज कैप में हम एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया है, मैं खुद का अपना इन्वेस्टमेंट भी है उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो हम खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कई बार हम बता चुके हैं कि कौन सा स्टॉक में हमने इन्वेस्ट किया, कौन सा म्यूचुअल
फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है। तो उसी तरह से दूसरा जो हमारा है ELSS फंड वो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, तो मतलब इंडेक्स फंड में ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, तो ये इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं, या आप सेंसेक्स जो है उसका फंड चूज कर सकते हैं। उसके बाद लार्ज कैप में आते हैं टेक्सिस ब्लू चिप फंड, इसमें हमने भी इन्वेस्ट किया है, अभी हमारा रिटर्न 14% हो चुका है मात्र 2 महीने में। तो समझ सकते हैं कि किस टाइम पे आप सेलेक्ट करते हैं ये भी देखना है। हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, आप SIP भी कर सकते हैं, SIP क्या है, कैसे हम SIP लेते हैं, तो इसको अगर जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूँगा, आप सारे म्यूचुअल फंड पर जो हमारे वीडियो है उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो आ गया मिरेज एसर्ट लार्ज कैप फंड, तो ये दो लार्ज कैप हो गया एक्सिस और मिरेज एसर्ट। उसके बाद हमारा आता है मिड कैप फंड, तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड चूज कर सकते हैं मिड कैप के लिए, एक्सिस मिड कैप फंड चूज कर सकते हैं। उसके बाद स्मॉल कैप फंड की बात करें तो SBI स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ये चूज कर सकते हैं। दो में से कोई एक आप चूज कर लेंगे, और जो है आप SIP लेना चाहते हैं तो हर महीने SIP चूज कर लें। अगर लमसम करना चाहते हैं तो जब मार्केट में करेक्शन आता है, गिरावट आता है, तो उस समय करें। लमसम उस समय किया जाता है, और लमसम उन व्यक्ति के लिए है जो म्यूचुअल फंड को अच्छी तरह जानते हैं, स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से जानते हैं, तो तब आप लमसम कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे SIP करने से क्या होगा, आपका हर एक लेवल पर आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे आपको एक एवरेज रूप से जो स्टॉक मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। तो अब हमारा हो गया मल्टी कैप, तो देखते हैं प्राग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये मल्टी कैप में हो गया। दूसरा कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, तो ये सारे फंड हैं जिसमें से आप एक फंड आप लार्ज कैप से ले लें, एक फंड आप मल्टी कैप से ले लें, एक फंड देख सकते हैं स्मॉल कैप से ले लें, एक फंड इंडेक्स फंड से ले लें। ये चार फंड अगर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा हो गया, चार फंड ही काफ़ी है। एक मल्टी कैप फंड ले लिए, एक स्मॉल कैप ले लिए, एक लार्ज कैप ले लिए, एक इंडेक्स फंड ले लिए, क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी गिरावट है, अभी कभी करेक्शन पे मिल रहा है इंडेक्स, तो अभी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी लमसम अमाउंट हो SIP हो। तो आपको एक एक फंड सबसे चूज करना है, आप लार्ज कैप में ही दो फंड ना लें, क्योंकि जो लार्ज कैप फंड में ये कंपनियां जो लार्ज कैप इसमें होगा वही हो सकता है इसमें भी हो, तो आपको मतलब दूसरा दो स्कीम लार्ज कैप में लेते हैं दोनों में कंपनी अगर कॉमन हो तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर लार्ज कैप में ही दो स्कीम लेते हैं तो दोनों में देखना है कि जो स्टॉक वो सेलेक्ट कर रहा है अलग अलग होना चाहिए, तब जा करके अगर एक परफॉर्म नहीं करता है तो दूसरा आपको परफॉर्म करके देगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ।